everyone, I'm Bhavna Sahani and I'm back with a new video for class 10th, the age of industrialization history. And in this video, we are doing the important question and answers of the topic 4 of this chapter. The topic is factories came up. So we have 6 to 7 questions on this. So let's get started to this one. First question from this topic is discuss early few Indian industries. जो Indian industries आई थी उसके बारे में discuss करना है. तो आपने बताना है कि 1854 में first cotton mill आई थी बॉम्बे में, 1862 में 4 mills आई थी with 94,000 spindles and 2,150 looms. फिर 1855 में जूट मिल्स आई थी बंगाल में और उसके बाद एक और जूट मिल आई थी after 7 years in 1862. 1860 में नॉर्थ इंडिया में एल्गिन मिल आई थी कानपुर में. 1861 में फर्स्ट कॉटन मिल आई थी अहमदाबाद में एंड 1874 में फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल आई थी मद्रास में जिससे प्रोडक्शन शुरू हुई थी. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु वर द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया. इसमें आपने द्वारकानाथ टैगोर, जमशेद जी, नुसरवंजी टाटा, फादर एंड ग्रैंड फादर ऑफ जी डी बिरला सबके बारे में बताना है और उनका हाउ डिड दे बेनिफिट फ्रॉम ओपियम एंड अदर ट्रेड. ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ बिजनेसमैन गोज बैक टू द ट्रेड विद चाइना. तो बिजनेसमैन जो थे इंडिया के उन्होंने अपना बिजनेस अपने आप को इतना स्टैंड कैसे किया वाइल ट्रेडिंग विद चाइना. ठीक है, लेट 18th century से जितने भी ब्रिटिश थे इंडिया में उन्होंने क्या किया, दे बिगेन एक्सपोर्टिंग ओपियम टू चाइना. ठीक है, एंड दे टुक टी फ्रॉम चाइना टू इंग्लैंड. ओपियम जाता था फ्रॉम इंडिया टू चाइना एंड फ्रॉम चाइना टू इंग्लैंड क्या जाता था, टी. राइट, जितने भी इंडियन थे उन्होंने भी ट्रेड करना शुरू किया, उन्होंने भी फाइनेंस देना शुरू किया, सप्लाईज को प्रोक्योर करना शुरू किया, शिप के थ्रू कंसाइनमेंट भेजना शुरू किया थ्रू इंडियन ट्रेड. तो अगर मैं एक अच्छे खासे एंटरप्रेन्योर की बात करूँ बंगाल से तो वो थे द्वारकानाथ टैगोर. उन्होंने भी अपना फॉर्चून चाइना से ट्रेड करके बनाया. उसके बाद उन्होंने इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट करी, 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज खोली 1830s to 1840s में. लेकिन आफ्टर 1840s उन बिजनेस क्राइसिस की वजह से उनका काफ़ी सारा बिजनेस डूब गया था. ठीक है, बॉम्बे में थे दिनशा पतीत एंड जमशेद जी नुसरवंजी टाटा, दोनों के दोनों पारसीज थे. इनका बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल एम्पायर था इंडिया में एंड इनका उन्होंने वेल्थ कैसे बनाई अपनी फ्रॉम एक्सपोर्ट टू चाइना एंड पार्टली फ्रॉम रॉ कॉटन शिपमेंट्स टू इंग्लैंड. ठीक है, कैलकटा में थे सेठ हुकुमचंद, वो मारवाड़ी बिजनेसमैन थे. उन्होंने फर्स्ट इंडियन जूट मिल सेटअप करी थी 1917 में एंड ही ऑल्सो ट्रेडेड विद चाइना. फिर नेक्स्ट आता है कैलकटा में फादर एज वेल एज द ग्रैंड फादर ऑफ द फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट जी डी बिरला. कैपिटल वॉज एक्यूमुलेटेड थ्रू अदर ट्रेड नेटवर्क. उसके अलावा कुछ मर्चेंट्स थे मद्रास से, उन्होंने बर्मा के साथ ट्रेड किया था. अदर हार्ड लिंक विद ईस्ट एंड ईस्ट एशिया ईस्ट अफ्रीका. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जमशेद जी नुसरवंजी टाटा का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है टू आयरन एंड स्टील डेवलपमेंट. तो आपने यही बताना है कि जमशेद जी नुसरवंजी टाटा ने आयरन एंड स्टील डेवलपमेंट में कैसे डेवलपमेंट करी थी. ये बताना है कि ही बिल्ड अ ह्यूज इंडस्ट्रियल एम्पायर्स इन इंडिया. 1912 में उन्होंने फर्स्ट आयरन एंड स्टील वर्क सेटअप किया था जमशेदपुर में एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो थी इंडिया की इट स्टार्टेड मच लेटर देन टेक्सटाइल. कॉलोनियल इंडिया में इंडस्ट्रियल मशीनरी, रेलवेज, लोकोमोटिव्स दे वर मोस्टली इम्पोर्टेड. ठीक है, फिर बताना है व्यूज ऑफ द्वारकानाथ टैगोर टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. द्वारकानाथ टैगोर के क्या व्यूज थे टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. ये इसमें आपने ये बताना है कि जो द्वारकानाथ टैगोर थे ही बिलीव कि जो इंडिया है वो तभी डेवलप होगा जब वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा. ही इन्वेस्टेड इन शिपिंग, शिप बिल्डिंग, माइनिंग, बैंकिंग, प्लांटेशन एंड इंश्योरेंस. और जो द्वारकानाथ टैगोर थे उन्होंने अपना फॉर्चून कैसे बनाया वाइल ट्रेडिंग विद चाइना. उन्होंने इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट करी, 6 जॉइंट स्टॉक्स कंपनीज बनाई इन 1830s and 1840s. उसके बाद क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन मर्चेंट्स पे क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाई और 3 यूरोपियन एजेंसीज आई थी उनके बारे में आपने बताना है. तो यही बताना है कि जब कॉलोनियल कंट्रोल आया था इंडिया में इंडियन ट्रेड को काफ़ी ज़्यादा टाइट कर दिया था उन्होंने. जो स्पेस दिया गया था इंडियन मर्चेंट्स को, ठीक है, उसको काफ़ी ज़्यादा उन्होंने लिमिट कर दिया था. ठीक है, जो इंडियन मर्चेंट्स थे उनको बैन कर दिया गया था कि वो यूरोप के साथ ट्रेड नहीं कर सकते इन मैन्युफैक्चर गुड्स एंड उनको रॉ मटेरियल ही एक्सपोर्ट करना पड़ेगा और फूड
ग्रेन्स ही एक्सपोर्ट करने पड़ेंगे, तो वो रॉ कॉटन, ओपियम, वीट, इंडिगो, ये सब एक्सपोर्ट करते थे जो भी ब्रिटिशर्स को रिक्वायर होती थी उसके अकॉर्डिंग। दे वर ऑल्सो ग्रेजुअली एज आउट ऑफ शिपिंग बिजनेस, उनको शिपिंग बिजनेस से भी बाहर निकाल दिया था। अनटिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जितनी भी यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज थी दे वर कंट्रोलिंग द लार्ज सेक्टर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। तीन बिगेस्ट यूरोपियन एजेंसीज बताई गई है, बर्ड, हिगलर एंड कंपनी, एंड्रू यूल एंड जेडन स्किनर एंड कंपनी। ये जो तीनों एजेंसीज थी ये क्या करती थी, कैपिटल कैपिटल को मोबिलाइज करती थी, जॉइंट स्टॉक कंपनी सेटअप करती थी और उनको मैनेज करती थी। और बहुत सारे इंस्टांसेस ऐसे भी थे जिसमें इंडियन फिनेंसर्स को वो कैपिटल प्रोवाइड करती थी विद यूरोपियन एजेंसीज और सारी इन्वेस्टमेंट करती थी, बिजनेस डिसीजंस लेती थी। तो जो यूरोपियन मर्चेंट्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, दे हैड देयर ओन चैम्बर ऑफ कॉमर्स विच इंडियन बिजनेसमैन वर नॉट अलाउड टू जॉइन। ऑल राइट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो डिमांड थी लेबर की इन फैक्ट्रीज एक्सपैंडेड, डिमांड फॉर लेबर इन फैक्ट्रीज एक्सपैंडेड, इलेबोरेट एंड वर्कर्स कहाँ से आते थे इंडियन फैक्ट्रीज में। तो ये बताना है कि जैसे जैसे फैक्ट्रीज एक्सपैंड हुई तो लेबर भी इंक्रीज हुई, ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। तो 1901 में 5,84,000 वर्कर्स इंडियन फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे एंड 1946 तक 24,36,000 वर्कर्स काम कर रहे थे। बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन से जहाँ से वर्कर्स कहाँ से आते थे, फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट अराउंड, जितने भी पीजेंट्स आर्टिसंस थे उनको काम नहीं मिलता था विलेज में, तो वो इंडस्ट्रियल सेंटर्स में जाते थे काम ढूंढने। ठीक है, ओवर 50% ऑफ वर्कर्स इन बॉम्बे कॉटन इंडस्ट्रीज इन 1911 केम फ्रॉम रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कानपुर में वर्कर्स कहाँ से आते थे, कानपुर के आसपास के डिस्ट्रिक्ट से। जितने भी मिल वर्कर्स थे वो विलेज वापस चले जाते थे, अपने घर वापस चले जाते थे ड्यूरिंग हार्वेस्ट एंड फेस्टिवल, एंड ओवर टाइम जब न्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट फैलती थी तो वर्कर्स बड़े बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करते थे इन सर्च ऑफ जॉब। सो फ्रॉम यूनाइटेड प्रोविंस फॉर इंस्टेंस दे वेंट टू वर्क इन द टेक्सटाइल मिल्स ऑफ बॉम्बे एंड इन द जूट मिल्स ऑफ कैलकटा। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन आता है इस टॉपिक का, हु वॉज जॉबर, जॉबर कौन था और उनके मेन फंक्शंस क्या थे। सो गेटिंग जॉब वॉज ऑलवेज डिफिकल्ट, द नंबर सीकिंग वर्क वर ऑलवेज मोर दैन द जॉब्स अवेलेबल, मतलब लोग ज़्यादा थे जॉब्स कम थी। एंट्री इन टू द मिल्स वॉज ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड, मतलब ऐसी एंट्री नहीं होती थी। इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्या किया था, उन्होंने जॉबर्स को एम्प्लॉय किया ताकि वो न्यू रिक्रूट्स को ढूंढे, एंड वेरी ऑफन जो जॉबर्स थे वो ओल्ड और ट्रस्टेड वर्कर्स थे। जॉबर का काम क्या था, ही गॉट पीपल फ्रॉम हिज विलेज, अपने विलेज से लोग लेके आता था, उनको जॉब दिलाता था, उनको सिटी में सेटल करने के लिए हेल्प करता था, उनको मनी प्रोवाइड करता था इन टाइम ऑफ क्राइसिस। ठीक है, एंड जॉबर देयरफॉर बिकेम अ पर्सन विद सम अथॉरिटी एंड पावर, ही बिगेन डिमांडिंग मनी एंड गिफ्ट्स फॉर हिज फेवर्स एंड कंट्रोलिंग द लाइफ ऑफ द वर्कर्स। सो ये क्वेश्चन थे आपके टॉपिक 4 के। फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर एंड द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ अदर टॉपिक काइंडली सी द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे लिंक दिए गए हैं। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन रीच अस आउट ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम और ऑन द नंबर गिवन बिलो, और कमेंट योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स। मोर ओवर फॉर मोर सच वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो आई विल बी मीटिंग यू गाइस सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एवरीवन। Oh,